हे गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको मैं कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूं जो देखने में बहुत ही ऑसम दिखती है। अगर आपको भी अपनी फ़ोटो में इसी तरह का कलर टोन लेके आना है तो इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना होगा। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाके फॉलो कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा हमें यहाँ पर वेट करना है। तो यहाँ पर पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन ओपन हो रही है। उसके बाद हमें नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऊपर एक ऑल फोटोज़ का ऑप्शन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमें अपनी फ़ोटो पे क्लिक करना है, जिस फ़ोटो को हमें एडिट करना है। तो यहाँ से मैं फ़ोटो को ले लेता हूँ। दोस्त, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ले ली है। उसके बाद हमें साइड में बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक ऑप्शन मिलता है हमको यहाँ पर इफेक्ट का, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी हमको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। नीचे हमको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है कलर्स का, हम यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कलर रिप्लेस का, हम यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बीच में आपको एक सर्कल देखने के लिए मिल जाएगा। इस सर्कल को आपकी जो फ़ोटो होगी इसके बैकग्राउंड में इस तरह से आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो ऊपर रिप्लेस यू का है इसको आपको कम ज़्यादा करके जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस कलर को रख देता हूँ और उसके बाद ऊपर टिक पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस फोटो को सेव करने के लिए हमें नीचे एक ड्रॉ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करना है, फिर ड्रॉ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव इमेज कर देना है। तो हमारी फ़ोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद इस फोटो को हमें लाइट रूम के अंदर इम्पोर्ट कर लेना है। तो मैं लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। दोस्त, मैंने लाइट रूम के अंदर फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लिया। आपको भी फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना है और सबसे पहले मैं अपनी फ़ोटो पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो फ़ोटो हमने पिक्सआर्ट में एडिट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हमें जो हमारा प्रीसेट है ये वाला, इस प्रीसेट को हमें इस फ़ोटो में पेस्ट करना है। प्रीसेट की कॉपी सेटिंग करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, नीचे कॉपी सेटिंग पर क्लिक करना है, ऊपर टिक का आइकन दिख रहा है हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें अपनी फ़ोटो को ले लेना है। अब इस फ़ोटो में हमें इस प्रीसेट को ऐड करना है। फोटो में प्रीसेट को ऐड करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, नीचे पेज सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पेज सेटिंग में क्लिक किया तो फोटो का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और फोटो बहुत ही ऑसम दिखेगी, जिसमें आपको हल्का ऑरेंज कलर का असर देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस फोटो को सेव करने के लिए ऊपर शेयर के बटन पर क्लिक करना है, नीचे सेव टू डिवाइस करेंगे तो फोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रीसेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये फोटो एडिटिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको फोटो एडिटिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरह की न्यू फोटो एडिटिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।